वेलकम बैक विद्यान अदर व्लॉग। हम एक लंबे अरसे के बाद जो है वो वापस आए हैं। काफ़ी सारे दिनों तक मैंने जो है वो काफ़ी दिन हो गए कोई व्लॉग पोस्ट नहीं किया, और मुझे जो है वो काफ़ी लोग जो है वो कह रहे थे कि आप व्लॉग क्यों नहीं पोस्ट कर रही हैं, आप कहाँ चली गई हैं। मैं कहीं पे भी नहीं गई थी, बस मसरूफियात ऐसी थी कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी। और आज का व्लॉग भी जो है वो एक बर्थडे व्लॉग बनाने जा रहे हैं हम। एक सरप्राइज़ बर्थडे है, एक्चुअली जो हम लोगों ने जैसा सोचा था, जो प्लान किया था, वैसा हो नहीं सका। वो इस वजह से नहीं हो सका कि जो चीज़ें जहाँ जहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर की हुई थी तो अभी तक हमें जो है वो पार्सल रिसीव नहीं हुए। तो हमने सोचा कि चलो अब हम मज़ीद डिले नहीं करते, हम आज के दिन जो है वो सारा स्टार्ट कर लेते हैं। तो जितना जो जैसा हुआ, आई होप कि वो बहुत बेस्ट होने जा रहा है। तो आज का बर्थडे जो है वो मेरी बर्थडे भी लोग जो है वो मेरी सिस्टर का है, उसका बर्थडे है आज। और आज तो नहीं है वैसे, उसको ये सरप्राइज़ बर्थडे हम लोग दे रहे हैं, यूँ कह लीजिए प्री बर्थडे सेलिब्रेशंस जो है हम करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, पूरे व्लॉग को देखेंगे। एनीवेज यहाँ पे इस वक्त हम लोग रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, लेकिन अभी चूँकि सासा जो है वो तैयारियाँ हो रही हैं, कुछ डेकोर कर रहे हैं वो, कुछ चीज़ें सामान सारा इधर से उधर आ रहा है, और इसी वजह से आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगी लेकिन थोड़ी सी देर के बाद। लेकिन यहाँ पर मेरे तमाम फैंस के लिए, तमाम जो हमारे यूट्यूब व्यूवर्स हैं उनके लिए, खूबसूरत सा आपके लिए कबूल कीजिए। नहीं और इसके साथ मेरे पास यहाँ पे फूलों के गजरे भी हैं खूबसूरत से, जो कि मेरी गोद में पड़े हुए हैं। और ये भी मैं अपनी सिस्टर को दूंगी, उसको पहनाऊंगी, उसको बहुत अच्छा लगेगा। आपको पता नहीं है कि मुझे फूलों से मोहब्बत कितनी है, आपको पता चल रहा है ना, आप सोचेंगे मेरा घर का जो गार्डन है वहाँ पे भी फूल ही फूल, मतलब मुझे इतनी मोहब्बत है। मैं बाजू का जो है वो फूलों के बीच में बैठ के घंटों जो है वो बुक रीडिंग का मुझे शौक़ है, वहाँ बैठ के बुक्स पढ़ ली, म्यूज़िक कभी कभी सुन लेते हैं, मतलब अच्छा लगता है यार। खैर ये प्यारे प्यारे से, और एक ये भी है मेरे साथ, मेरी एक और खूबसूरत सी प्यारी सी सिस्टर है, और इसने भी जो है वो आज ब्लैक गोल्डन पहना हुआ है, मैंने ब्लैक वाइट पहना हुआ है, और ये मैं इनको पहनाना चाहती हूँ एक इसके लिए। ठीक है, मेरे पैरों क्यों नज़र आ रहे ये आपके लिए हैं, बताएं कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, मज़े के लग रहे हैं ना, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं ना। लेकिन मेरी अभी बर्थडे अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, जब आपकी आएगी तब करेंगे, ये फिलहाल आपके, और उसके बाद जब मैं राबी को पहनाने जा रही हूँ। ठीक है, One eternity later. देख लूँगी एक बार फिर से बर्थडे, इसलिए क्योंकि प्री बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दी है मैंने अपने सिस्टर की, और उसे सरप्राइज़ देना है, उसे अभी नहीं पता, वो यहाँ पे हमारे साथ अभी नहीं आनी आई। हमने बोला कि हम लोग वॉक पे निकल रहे हैं, आप लोग बाद में हमारे साथ आ जाना, हमने कुछ सामान लेना है। और यहाँ पे हम मौजूद हैं इस वक्त, अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे, और सबके आने का जो है वो मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और तब तक जब तक कोई और यहाँ पर नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगी, मैं तब तक एक चीज़ खाने वाली हूँ। आपको पता क्या चीज़, कि मेरे पैसे उड़ जाएंगे। इसके ऊपर कुछ रखो, इस पे यूँ, तब तक मैं खाऊंगी ये मैग्नम, माय फेवरेट। इसको एंजॉय करती हूँ और उन लोगों का इंतज़ार करते हैं। लेकिन इस पे मैं पूरी वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि देखते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट चल के हम क्या क्या करेंगे, जो जो चीज़ें करेंगे आपको दिखाते जाएंगे साथ साथ, तो साथ रहिएगा। हाँ, मज़े की बात ये है कि मैंने अपना वॉलेट नहीं उठाया और अपने सारे पैसे हाथ में लेके फिर रही हूँ, और मेरा भाई कह रहा है कि अगर जनाब ये तुमने घुमा दिया या तुम्हारे हाथ से गिर गया तो तुम्हें तब समझ आएगी, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, सारे पैसे मैं कहीं रख के जो है वो भूल गई थी, मुझे पता भी नहीं था कि मैंने कहाँ पर रखे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ और मैं देखती हूँ कि हम क्या ऑर्डर करने जा रहे हैं। A few moments later. तो बताना पड़ रहा है इनको जनाब मैंने आज पहना हुआ है, एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी मेरी जो चॉइस है आपको मतलब थोड़ी सी हटके होती है। एंड अभी आगे हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको अपनी सिस्टर्स भी दिखाऊंगी, और हम पूरा डेकोर जो कर रहे हैं सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, तो साथ साथ रहिएगा। थैंक यू। ओके जनाब, सो ये फाइनली एमरजेंसी में जो है ये हमने करवाया है, सिर्फ इतने से हो सका है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो भी है बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा लग रहा है। तो ये हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो मेरी सिस्टर के लिए, वैसे प्री बर्थडे सेलिब्रेशन है, उसका बर्थडे आज नहीं है, लेकिन हम लोग चूँकि यहाँ पे आ चुके हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो आप लोग भी बताइएगा कि आपको हमारे साथ कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो जी, यहाँ पर प्री बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, मेरी सिस्टर की सांस फूल हो गए, नीचे से भाग के ऊपर हम चढ़े हैं, लेकिन आप बताइएगा कैसा लगा है आपको ये।
और इसके साथ मेरे हाथ में एक एकदम खूबसूरत सा गुलाब है। गुलाबों से मुझे हमेशा से मोहब्बत, आपको पता बहुत ढेर सी वाली है। लेकिन ये आज जो है मैं अपनी सिस्टर को देने जा रही हूँ, और इसके साथ ही मेरे पास उसके लिए कुछ और भी है। ओके जनाब, यहाँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा जो केक है ना वो हमारे पास आ चुका है, और ये रहा हमारा केक। और ये आप देखें, बहुत खूबसूरत सी प्यारी, खूबसूरत सी प्यारी सी डेकोरेशन। और यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है वो ये बैठी हुई हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। ये इनको एक अदद फूल जो है वो ये हमने गिफ्ट किया है, ठीक है। बाकी ये इनकी तैयारी है, मैं आपको फूल तो दिखाऊंगी नहीं, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। और एक और मेरी बहन है, वो बहुत पीछे हट के बैठी हुई है, और ये सिर्फ अपने हाथ ही आगे लेकर अक्सर आती है कि ये देखिए मैं यहाँ पे हूँ। चलें जी, यहाँ पे हम लोगों ने केक कटिंग स्टार्ट कर दी है, और इनसे जो है वो कैंडल्स ही नहीं जल रही, कितने मज़े की बात है। ये लोग बैठी हुई हैं कि कैसे जलाएं कैसे जलाएं, और कुछ भी नहीं हो रहा इनसे, और इनसे कुछ होना भी कोई नहीं है, मुझे इस चीज़ की भी समझ आ गई है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। ओके जी, हैप्पी बर्थडे। ये देखिए, ये कहते मेरे ऊपर नहीं करना। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम गंद ना डालें, बर्थडे हो और मजा ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। Much, much, much later. जी जनाब, यहाँ पे हमारा खाना भी आ चुका है। ये देखिए हमने क्या ऑर्डर किया है, और ये यहाँ पे हमने चार तक जो है बर्गर्स ऐड किए हैं, जिनमें चिकन था और जिंगर बर्गर, और दूसरा पता नहीं कौन सा था, और जो भी है यहाँ पे हम देख लेते हैं वॉट एवर। और ये मलाई बोटी पिज्ज़ा हमने किया, इसके साथ ही यहाँ पे जो है वो ये जो है ना, इसमें नगेट्स थे और विंग्स हैं और फ्राइज है, ठीक है। ये हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है जी जनाब। सेलिब्रेशन के बाद अब हम लोग जो है वो निकलने लगे हैं घर को, लेकिन जाते जाते मैं यहाँ पे आपको दिखाती जाऊँगी कि हमने कितना मेस क्रिएट किया है। और खैर, मैं चूँकि फ्रंट कैम से बना, इस वजह से ही आपको ऐसे दिखेगा। और आपने क्या करना है आपको पता है ना। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, वहाँ पे हमने जनाब आइसक्रीम शेक जो है वो ऑर्डर कर दिया है, और वनीला और पिस्ता का फ्लेवर में है। कैसा टेस्ट होगा ये तो मैं आपको पीने के बाद ही बताऊँगी। और साथ में जो है वो रशियन सैलेड किया है, आई होप कि मज़ा आएगा। मैंने सोचा कि जब तक यहाँ पे मेरी फैमिली नहीं पहुँचती, मेरी सिस्टर्स नहीं पहुँचती, मैं अपने भाई के साथ बैठ के जो है ना